हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। क्या आपका भी जो है मन छोटे छोटे बातों पर जो है कि उदास रहने लगता है, एंजाइटी फील होने लगती है, आपको छोटे छोटे बातों पर जो है कि डिप्रेशन फील आने लगती है? तो इस वीडियो में जो है मतलब इसका सल्यूशन और जो है कि ये क्यों होता है इसके बारे में हम इस पे बात करेंगे दोस्तों आज आपसे। हम दोस्तों, मेरा नाम सतीश कुमार, आज हम बात करने वाले हैं जो मतलब छोटी छोटी बातों पर कोई कुछ बोल दिया या जो है कि कोई कुछ जो है कि कुछ चीज़ को आप छुए, जैसे कि हम इस कॉपी को इसे उल्टाए और जो उल्टाए आपको कुछ आ गया मन में, और फिर आपको चेकिंग करने लगते हैं, फिर एंजाइटी शुरू हो जाता है। और ये सब चीज़ जो है कि आपके साथ अगर होता है तो ये जो है कि ओसीडी का लक्षण है और जो है कि ये एंजाइटी की ओर आपको ले जा रही है, और एंजाइटी में आपको जो है कि ये विचार ला ला करके आपको परेशान करते रहता है। दोस्तों, ये क्यों होता है? क्योंकि ये छोटा छोटा बात इसलिए होता है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है कि अपने ऊपर कम हो गया है। मतलब आपका जो है कि बिलीफ सिस्टम जो है, विश्वास जो है अपने ऊपर से, आत्मविश्वास जो है कि वो कम हो गया है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये विचार आपको जो है कि आपको परेशान कर रहा है, आपको जो है कि मतलब वो विचार जो जो कि मतलब छोटा मोटा प्रॉब्लम है। अब ये कॉपी उल्टा है, कॉपी उल्टाने में आपको क्या दिक्कत है बताइए? कॉपी उल्टा है, कॉपी उल्टाने में आपको अगर जो है कि कोई परेशानी हो रही है, कुछ चीज़ डॉट आ रहा है, तो ये चीज़ आपको क्या छोटी मोटी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जो है कि आपको डॉट डॉट देती है। कोई दोस्त आपका जो है कि आया, कुछ बोला, किसी दूसरे के बारे में बोला, लेकिन वो एंजाइटी होने लगा, कहीं मेरे साथ ना हो जाए, वो सब चीज़ के बारे में आपको डाउट होने लगता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम। कोई घर का मेंबर जो है कि कहीं जा रहे हैं, आपको जो है कि रिलेटेड कुछ ना कुछ डाउट आ गया मन में, आप जो है कि आपको लग रहा है कहीं उनके साथ ये ना हो जाए, तो मतलब कोई कलर का जो है कि हो सकता है, मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम। जैसे पानी पीने का भी, उसमें भी कुछ आपको जिस चीज़ से डर लगता है वो चीज़ आपके साथ आने लगा तो आप उससे परेशान होने लगते हैं। ये एंजाइटी क्यों होने लगती है दोस्तों? क्योंकि अपने ऊपर जो है कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि आपको जो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं आप, जो है कि एक ही प्रकार का थॉट जो जो है कि आपको आने लगता है, और ओवर थिंकिंग में आप फंस जाते हैं। ओवर थिंकिंग में फंसने का मतलब क्या है कि मतलब अपने अपने विचारों में तर्क वितर्क करने लगते हैं, निगेटिव पॉजिटिव ढूंढने लगते हैं, ये करें कि ना करें, इसी तर्क वितर्क में फंस करके आप जो है कि आपका क्या होता है, इससे कॉन्फिडेंस लेवल जो है कि धीरे धीरे डाउन होने लगता है, आपका कम हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये ओसीडी आपके ऊपर हावी होती है, और जो है कि आप सोचते सोचते जो है कि मतलब कहीं और निकल जाते हैं। दोस्तों, ये क्यों होता है कि आपको पहले चला कि कॉन्फिडेंस आपका कम होता है, दूसरा क्या पता चला आपको कि जो है कि तर्क वितर्क में जो है कि माइंड फंस जाता है, और जो है कि ओवर थिंकिंग के कारण से आपका जो है कि ये विचार होता है, आपको छोटी छोटी बातों पर जो है कि आपको डाउट होने लगता है, और ये जो है कि आप परेशान करने लगता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, समझ सल्यूशन है कि ओसीडी में इस प्रकार का विचार आता है, मतलब छोटे छोटे जो है कि ये क्यों आता है, कॉन्फिडेंस अपने आप पे कम हो जाता है, और कॉन्फिडेंस होने कम होने के कारण से आपको वो विचार जो है कि छोटी छोटी चिंताएं जो आपको आती है वो आपको परेशान करती है। ये समझना है कि ये सब विचार आता है, ओसीडी का ये सब विचार है, डाउट दिलवाना, डाउट की वजह से जो है कि फियर आना, मतलब डर आना, फियर की वजह से जो है कि मतलब जो आप फिर बार बार चेकिंग करना, कंपल्सन करना उसको कर सकते हैं, वो आप कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है कि ये ओसीडी के कारण से आता है, मतलब समझना है आपको माइंड के अंदर कि माइंड में ऐसे डाउट आते हैं। फिर दूसरा क्या करना है कि वह आते हैं तो क्या करना है, उलझना नहीं है। आप उलझ जाओगे तो और आपको परेशान करेगा, वैल्यू नहीं देना है, मतलब उलझना नहीं है उसको, इग्नोर करना है, वैल्यू नहीं देना है। अगर आप वैल्यू नहीं देंगे उसको, ठाउट आया, डर डर लाया साथ में, लेकिन उसको वैल्यू नहीं दिए, मतलब उससे डरे नहीं, तो वो क्या होगा, आपको परेशान नहीं करेगा, आपको एंजाइटी नहीं दिलाएगी। तो ये आपको समझ में आया दोस्तों कि उसको जो है कि वैल्यू जो है कि मतलब नहीं देना। तीसरा चीज़ क्या करना है आपको, इग्नोर करना, मतलब
वैल्यू नहीं देंगे इग्नोर करके, दूसरे कामों में अपने आप को बिजी कर लेना है। तभी ये देखिए एक पैटर्न, एक हैबिट हो गया है, उसको आपको तोड़ना ही तोड़ना पड़ेगा, और दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं, उसको क्या करना, इग्नोर करना पड़ेगा। आप देखेंगे धीरे धीरे, जब इग्नोर करने, देखिए कम से कम 20-21 दिन तक आपको ये इग्नोर करना पड़ेगा, हो सकता है बीच में जो है कि आपका ठीक भी हो जाए, फिर आपको होने लगे, लेकिन इसको लगातार जो इग्नोर करने की हैबिट डालना है कि इग्नोर करना है, ये ओसीडी कारण से हो रहा है। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके साथ जो ये होने, भाई सबसे पहले एक, हाँ एक डाउट आपको भी बताना चाहते हैं कि हमारा माइंड जो है इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता है दोस्तों। ये चीज़ आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी आपके लिए बेनिफिट है, और आपके लिए बहुत ही, क्योंकि आपका जैसे कोई चीज़ का सोच आता है तो उसका भी आपका इमेज बन जाता है माइंड में, जिस चीज़ का भी डर का हो। चलिए हम फल का ही नाम लेते हैं, सेब देख लीजिए, आपके माइंड में सेब का इमेज बन गया होगा। ले लीजिए साइकिल का बोलते हैं, तो देखिए आपके माइंड में साइकिल का इमेज बन गया होगा। आपके इमेज में जो है कि कुछ मतलब छोटी छोटी जो भी चीज़ से रिलेटेड आपको डर लगता है, जैसे हम आपको कॉपी बोले, देखिए कॉपी माइंड में इमेज बन गया। इसी तरह से माइंड जो है इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता है, उसको हमको समझ के लेवल पे आपको फर्क करना पड़ेगा। जब आप उसको फर्क करेंगे कि नहीं ये ओसीडी कारण से ये थॉट आता है और इसको जो है कि वैल्यू नहीं देना है, इसको इग्नोर करना है और दूसरे कामों में अपने आप को ध्यान लगाना है, बस सिंपल काम ये सब करना है। हो सकता है हम अभी सिंपल बोल रहे हैं लेकिन आपके लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन इसको आसान बनाना, यही तो चीज़ को आसान बनाना है। जब आप धीरे धीरे करने लगेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, और धीरे धीरे आप ओसीडी के ठाउट को हैंडल करने सीख जाएंगे। आप धीरे धीरे जो है कि ये जो छोटी छोटी परेशानी आती है, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी डाउट को लेकर के परेशानी, धीरे धीरे आप इससे ऊपर उठ जाएंगे, और इसको जो है कि आप आसानी से जो है कि इसको जो इग्नोर करके आप जो है जल्दी से इससे ठीक हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो में जो है कि बहुत ही अच्छा अच्छा बात हमको लगता है कि आप सीखे होंगे आज। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरे दूसरे लोगों तक शेयर भी करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।